अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। इसका नाम है Xiaomi Redmi Note 10। इसका कलर ग्रे है। इसकी 4GB रैम और इंटरनल स्टोरेज 128GB है। ये पाकिस्तानी ऑफिशियल फ़ोन है। ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वारंटी कार्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चलिए जी बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। अब ये बहुत कम होता है कि कोई ऐसा फ़ोन आए, क्योंकि जनरली जो सेल फोन यहाँ पे आते हैं, कोई सेल फोन कैमरा वाली साइड से अच्छा होता है तो किसी में प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी को कैसा फ़ोन चाहिए, लेकिन ये जो फ़ोन है ये अपनी प्राइस कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये वन ऑफ द बेस्ट चीपेस्ट डिवाइस है। इसकी प्राइस है 31,999 रुपये, जो कि पाकिस्तानी वेरियंट है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले देखने को मिलती है आपको आपकी डिवाइस। यहाँ पे जी कुछ की फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। 6.43 AMOLED डिस्प्ले है। दूसरी चीज़ जो इस मोबाइल फ़ोन की सबसे बेस्ट हाईलाइट होने वाली है, वो इसका चार्जिंग का सारा सिस्टम है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग लगाई गई है। इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 678 है। और जी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन इसी वजह से बहुत बिकेगा कि इसके अंदर 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले लगाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं प्लास्टिक रैप से निकाल लेती हूँ ताकि हम Redmi Note 10 का क्लियर फर्स्ट लुक देख सकें। अगर आप बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन को बहुत बड़ी अपग्रेड मिली है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं नोट 9 सीरीज के साथ, तो इसकी जो लुक है वो काफ़ी खूबसूरत है। ऊपर की साइड पे स्पीकर दिए गए हैं और यहाँ पे IR ब्लास्टर है। नीचे वाली साइड पे हेडफोन जैक है। यहाँ पे USB-C की पोर्ट मिल जाती है और यहाँ पे भी स्पीकर है। यहाँ पे जी पावर बटन में इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर हैं और ये वॉल्यूम अप डाउन के बटन हैं। फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइल्ड है। इसके अलावा 2-2 मेगापिक्सल के सेंसर लगाए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। बाय द टाइम फ़ोन जब तक ऑन होगा, बॉक्स में जो बाकी सामान है उस पर नज़र डाल लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है फास्ट चार्जिंग की केबल, जो के अंदर से ऑरेंज है। इसके साथ जो हमें चार्जर मिला है वो 33 वाट का है, ये भी अंदर से ऑरेंज है। इसमें सिम इंजेक्शन की जो पिन मौजूद है वो भी हम निकाल लेते हैं। इसके अलावा आपको मिल रही है यूजर गाइड। यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड का मैनुअल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है सिलिकॉन केस, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है। इसको मैं जल्दी से सेटअप कर लेती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके जी, फ़ोन यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया है। यहाँ पे जी MIUI का वर्जन यूज़ किया गया है।
इसका एंड्रॉइड वर्जन 11 है। अगर आप बात करते हैं 30 से 40,000 की रेंज की, तो ये मेरे हिसाब से ये जो मोबाइल फोन है, दिस इज इट, ये बहुत अच्छा फोन है। 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले लगाया गया है और जी इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा लगाया गया है। आइए जी चेक कर लेते हैं। मोड के ऑप्शन में पोर्ट्रेट मोड ऑन कर लेते हैं। इसके कैमरे का रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जी मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।